हाय व्यूवर्स, वेलकम अगेन टू माय यूट्यूब चैनल नवीन दैया। आज हम डिस्कस करेंगे फेसेस ऑफ टीचिंग, जो आपका बीएड फर्स्ट ईयर का सब्जेक्ट है लर्निंग एंड टीचिंग का। हम टीचिंग के बारे में डिस्कस कर रहे थे, फर्स्ट टॉपिक आपका हो चुका था जिसमें हमने किया था नेचर इंपॉर्टेंस ऑफ टीचिंग। तो आज हम करेंगे फेसेस ऑफ टीचिंग। ये जो क्वेश्चन है बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 16 मार्क्स में काफ़ी बार पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखते हैं फेसेस ऑफ टीचिंग क्या होता है, किस तरह की डेफिनेशंस है, क्या मीनिंग है इसका, और कितने फेसेस में इसको डिफाइन किया गया है। तो चलिए, फर्स्ट है मीनिंग इसका। आप देख रहे हैं फेसेस ऑफ टीचिंग, इसका मीनिंग है शिक्षण को सही ढंग से संपन्न करने के लिए क्रमबद्ध योजना की आवश्यकता पड़ती है। इसके द्वारा ही शिक्षण कार्य सरल वह सफल होता है। इस उद्देश्य के लिए शिक्षण को विभिन्न चरणों या अवस्थाओं के अंतर्गत इसको समझा जाना आवश्यक है। देखिए, जो भी हम टीचिंग करते हैं एक सिस्टमेटिक तरीके से हम करते हैं, बिल्कुल क्रमबद्ध तरीके से हमारा जो टीचिंग है वो चलता है, एक उद्देश्य की पूर्ति के लिए कि बच्चों को हम क्या पढ़ा रहे हैं, उनको क्या समझा रहे हैं, एक उद्देश्य होता है हमारा टीचिंग का, वही उसको संपन्न करने के लिए इनको फेजेस में डिवाइड किया गया है। तीन फेजेस में इनको डिवाइड किया है जैक्सन ने तीन चरणों में इनको डिवाइड किया है। और कौन कौन से फेजेस हैं, फर्स्ट तो आपका प्रीएक्टिव है, सेकंड इंटरैक्टिव, थर्ड है पोस्ट एक्टिव। ये तीन फेजेस हैं आपके और तीनों ही आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं 16 मार्क्स में। देखिए, फर्स्ट ही मैं आपको बता दूं कि होते क्या है, बिल्कुल डरने वाली जरूरत नहीं है, बहुत इजी क्वेश्चन है ये। ठीक है, फर्स्ट प्रीएक्टिव क्या होता है, प्रीएक्टिव होता क्या है कि प्री मतलब पहले की जो अवस्था होती है, क्लास में जाने से पहले हम जो प्लानिंग करते हैं पढ़ाने के लिए, या फिर हम कोई लेसन प्लान तैयार करते, कोई टॉपिक हमारा हम तैयार करते हैं, वो होता है प्रीएक्टिव। मतलब क्लास में जाने से पहले की जो योजना बनाई जाती है उस इसको प्लानिंग स्टेज भी बोला जाता है। ठीक है, सेकंड होता है इंटरेक्टिव। इंटरेक्टिव क्या होता है, एट ए टाइम जब हम क्लास में पढ़ा रहे हैं उसको इंटरेक्टिव स्टेज बोला जाता है। ठीक है, थर्ड है फेज पोस्ट एक्टिव फेजेस ऑफ टीचिंग, ये होता है पढ़ाने के बाद की जो स्टेज होती है। तो तीन ही स्टेज होती हैं, एक तो पढ़ाने से पहले, क्लास में एंट्री करने से पहले हम जो योजना करते हैं, दूसरा होता है क्लास में एट ए टाइम जब क्लास में हम प्रेजेंट होते हैं, बच्चों को पढ़ा रहे होते हैं, तीसरा होता है बच्चों को पढ़ाने के बाद हम जो इवेल्युएशंस करते हैं। ठीक है, तो तीन ही फेजेस में इनको डिवाइड किया गया है। आई होप आपको तीन फेज समझ आ गए होंगे। अब हम इनको डिटेल में पढ़ेंगे, कौन कौन से फेजेस होते हैं और उनके कौन कौन से पॉइंट बनते हैं। ठीक है, फर्स्ट हमारा प्रीएक्टिव। प्रीएक्टिव स्टेज होती क्या है, यह अध्यापन अवस्था पढ़ाए जाने वाले पाठ की योजनाबद्धि से संबंधित होती है। यह कक्षा कक्ष की कार्यशीलता के लिए तैयारी है। इसी तैयारी या अवस्था को हम प्रिपरेशन स्टेज भी कहते हैं, मतलब प्रिपेयर होना क्लास में जाने से पहले। ठीक है, इसके पॉइंट है, फर्स्ट है शैक्षिक उद्देश्यों का निर्माण व निर्धारण। सबसे पहले अध्यापक पढ़ाए जाने वाले पाठ के उद्देश्यों को निर्धारित करता है तथा उन्हें व्यवहारिक शब्दावली में लिखता है। अध्यापक यह निश्चित करता है कि उद्देश्यों की प्राप्ति के परिणाम स्वरूप विद्यार्थियों के व्यवहार में किस तरह से परिवर्तन हमको लाना है। मतलब एक उद्देश्य बनाता है टीचर की, जो वो लेसन प्लान बना रहा है, जो टॉपिक वो बना रहा है, जो टॉपिक उसको क्लास में पढ़ाना है, उसके क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, क्या उद्देश्य हैं उसके, और किस तरह से वो बच्चों के व्यवहार में परिवर्तन ला सकता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है, पॉइंट है पाठ्य वस्तु संबंधित निर्णय लेना। जो भी हम पाठ्य वस्तु लेकर जा रहे हैं, जो क्लास में टॉपिक लेकर जा रहे हैं, उसके संबंध में हम क्या डिसीजन लेते हैं। फर्स्ट है कि अध्यापक उद्देश्यों का निर्माण करने के पश्चात यह पाठ्य वस्तु के संबंध में निर्णय लेता है, जिसे वह अपने विद्यार्थियों के समक्ष प्रस्तुत करके उनके व्यवहार में परिवर्तन लाता है। ठीक है, उसके बाद थर्ड पॉइंट हमारा प्रस्तुतिकरण के लिए पाठ्य वस्तु के अंशों को क्रमबद्ध व्यवस्था में करना, मतलब एक सिस्टमेटिक तरीके से उनको अरेंज करना जो आप प्रस्तुत कर रहे हैं क्लास। पाठ्य वस्तु के से संबंधित निर्णय लेने के पश्चात अध्यापक पाठ्य वस्तु के विभिन्न अंशों को तार्किक दृष्टि से क्रमबद्ध रूप से व्यवस्था करता है। इस संबंध में अध्यापक को शिक्षा का स्थानांतरण तथा मनोविज्ञान का ज्ञान होना आवश्यक है। मतलब उसको ये पता होना चाहिए कि वो जो रिप्रेजेंट कर रहा है बच्चों के सामने, वो किस तरह से रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, उसको टेक्निक्स आनी चाहिए पढ़ाने के लिए, जो भी वो शिक्षण सामग्री यूज़ करता है उसको सिस्टमेटिक तरीके से, क्रमबद्ध तरीके से उसको अरेंज करना आना चाहिए। ठीक है, उसके बाद है फोर्थ पॉइंट आपका, शिक्षण युक्तियों संबंधी निर्णय लेना।
अध्यापक पाठ्य वस्तु विद्यार्थियों को ध्यान में रखते हुए उपयुक्त विधियों व प्रविधियों के बारे में निर्णय लेता है। इनका योग्य चयन ही विद्यार्थियों के मस्तिष्क में पाठ्य वस्तु को स्थिर बना देता है। एक जो टीचर होता है उसको ये ध्यान में रखना चाहिए कि आप जो बच्चों को पढ़ा रहे हो उनकी स्टेज, उनकी जो मेंटली स्टेज वो क्या है। छोटे बच्चों को पढ़ा रहे हो तो आपको छोटे बच्चों के हिसाब से ही अपनी प्रिपरेशन करनी चाहिए। आप प्राइमरी या मतलब सेकेंडरी लेवल के बच्चों को पढ़ा रहे हो तो उसी हिसाब से आपको आपके जो लेसन प्लान है या फिर आप जो टॉपिक लेकर आ रहे हो क्लास में उन्हीं के हिसाब से अपनी जो तैयारी वो करनी चाहिए, ठीक है। टेक्निक्स हमारी अपनी यूज़ करनी चाहिए क्लास में पढ़ाते हुए, थोड़ा सा फ्रेंडली बिहेव बच्चों से करना चाहिए ताकि वो उनके मन में अगर कोई डाउट भी आ रहा है तो आपसे बेझिझक वो क्वेश्चंस को पूछ सके, ठीक है। उसके बाद है शिक्षण युक्तियों का विभाजन करना। शिक्षण के समय किन किन विधियों और युक्तियों का कब व कैसे प्रयोग करेगा, अर्थात वह कब व किस तरह से प्रश्न पूछेगा, कब सहायक सामग्री का प्रयोग करेगा। सहायक सामग्री क्या होती है, जब हम ब्लैक बोर्ड यूज़ करते हैं, चौक यूज़ करते हैं, कोई हम जब पढ़ा रहे हैं कोई क्वेश्चंस ऐसा आ जाता है जो बच्चों से पूछना ज़रूरी है, क्योंकि ये जानने के लिए कि बच्चे ध्यान से सुन भी रहे हैं या उस चीज़ को नहीं, तो एक सिस्टमेटिक तरीके से प्लानिंग करता है कि मुझे अब ये क्वेश्चन पूछना है, अब मुझे ब्लैक बोर्ड यूज़ करना है, अब जो मैं चार्ट या मॉडल मैं बनाकर लेकर जा रहा हूँ क्लास में वो मुझे कब तैयार करना है, कब उस बच्चों के सामने हमें अपना मॉडल चार्ट दिखाना है। ये नहीं कि हम जो मॉडल या चार्ट लेकर जा रहे हैं क्लास में एंट्री करने से पहले ही हम चार्ट को टांग दें क्लास में और बच्चे तब तक आपका टॉपिक तैयार होगा, आप जिस चार्ट टॉपिक को चार्ट के थ्रू पढ़ाओगे बच्चों को तब तक तो बच्चे चार्ट देख चुके होंगे, उनकी जो ये होगा कि पता नहीं टीचर क्या लेकर आए हैं क्लास में, उनकी जो जिज्ञासा होगी वो ख़त्म हो जाए तब तक। ऐसा आपको नहीं करना है, बिल्कुल सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ाना है, कब कौन सी सामग्री आपको यूज़ करनी है ये प्लानिंग के साथ ही आपको प्लान करना है, ठीक है। तो इसको कहते हैं हम प्री एक्टिव स्टेज या प्री फेस स्टेज ऑफ टीचिंग, ठीक है। उसके बाद है इंटरएक्टिव स्टेज। मैंने पहले भी बताया था इंटरएक्टिव स्टेज क्या होती है, जब हम क्लास में पढ़ा रहे हैं बच्चों को एट ए प्रेजेंट उसको कहा जाता है इंटरएक्टिव स्टेज। यह वह अवस्था होती है जिसमें वास्तविक अध्ययन या जन्म अस्तित्व में आता है, वास्तविक अध्ययन का जन्म अस्तित्व में आता है। इस अवस्था में अध्यापक व विद्यार्थी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में भाग लेते हैं, मतलब दोनों ही एक्टिव होते हैं, टीचर भी और स्टूडेंट्स भी, ठीक है। तो फर्स्ट जो टीचर देखेगा क्लास में एंट्री करने के बाद वो है आपका कक्षा आकार की अनुभूति, जो कक्षा अरेंजमेंट है, जो स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं किस तरह से अरेंज है क्लास, सबसे पहले तो उस पर नज़र जाएगी टीचर की। कक्षा में प्रवेश करते ही अध्यापक एक ही दृष्टि में विद्यार्थियों की योग्यता सामर्थ्यता आदि की जांच कर लेता है, मतलब ये देखता है कि क्लास में अनुशासन कैसा है, बच्चे बैठे कैसे, या फिर वो कोई क्वेश्चन ही ऐसा पूछ ले कि जिससे टीचर को ये पता चल जाए कि बच्चों का जो मेंटली लेवल है वो किस हिसाब से, ठीक है। उसके बाद है विद्यार्थियों का निदान। निदान क्या होता है, कमियों का पता लगाना, ठीक है। इसमें अध्यापक यह जानने का प्रयास करता है कि विद्यार्थियों का विषय संबंधी पूर्व ज्ञान कितना है और इसमें विद्यार्थियों की रुचि अभिरुचि व शैक्षिक पृष्ठभूमि भी शामिल होती है। इसमें टीचर ये देखने का प्रयास करेगा कि जो मैं टॉपिक पढ़ा रहा हूँ बच्चों को उसमें बच्चों की रुचि है भी या नहीं, ठीक है। बच्चों की जो कमियां हैं उनको देखने का प्रयास करेगा टीचर, जो भी कमियां टीचर को लगेगी वो अपनी टेक्निक्स के हिसाब से उन कमियों को दूर करने की कोशिश करेगा, ठीक है। उसके बाद क्रिया और प्रतिक्रिया उपलब्धि। जब अध्यापक कुछ क्रिया करता है तो विद्यार्थी उनके प्रति अनुक्रिया करते हैं, इसी प्रकार जब विद्यार्थी जब कोई क्रिया करते हैं तो अध्यापक उनके प्रति अनुक्रिया करते हैं। मतलब क्या है कि अगर मान लीजिए कोई टीचर है क्लास में पढ़ा रहा है, उसके बीच में कोई क्वेश्चन ऐसा आ जाता है कि बच्चों से क्वेश्चन पूछने पड़ जाते हैं, तो टीचर क्या है बच्चों से क्वेश्चन पूछेगा और स्टूडेंट्स बच्चों को आंसर, जो स्टूडेंट्स वो टीचर को आंसर देंगे उनका, ठीक है। तो इस तरह से प्रक्रिया जो इंटरेक्टिव है बच्चों की और एक टीचर की, दोनों की क्रियाएं चलती रहेंगी। या फिर ऐसा हो कि बच्चों के माइंड में कोई डाउट है वो टीचर से पूछ ले तो टीचर बच्चों को आंसर देंगे, तो इस तरह से दोनों जो होते हैं टीचर और स्टूडेंट दोनों ही एक्टिव होते हैं इस स्टेज में, ठीक है। इस तरह से उनकी जो क्रिया है और जो
क्रिया और प्रतिक्रिया दोनों की चलती रहती है। ओके, उसके बाद है उद्दीपकों एवं प्रेरकों का प्रभाव। प्रेरणा के प्रयोग द्वारा कक्षा में अनैच्छिक क्रियाओं की संभावना को दूर किया जाता है। मतलब जो बच्चों की डिफिकल्टी लेवल है, जो बच्चों को समझ नहीं आता, कोई भी क्वेश्चंस है, उन जो कमियां हैं उनको टीचर एक हिसाब से दूर करता है बच्चों के शिक्षण के थ्रू। ठीक है, उसके बाद है पोस्ट एक्टिव फेजेस ऑफ टीचिंग, जो हिंदी में हम इसको कहते हैं उत्तर क्रियाशील चरण। ठीक है, लास्ट स्टेज होती है ये। इस शिक्षण का, यह शिक्षण का अंतिम चरण होता है। शिक्षण प्रक्रिया के इस चरण में शिक्षण व विद्यार्थियों का मूल्यांकन किया जाता है। मूल्यांकन के द्वारा अध्यापक यह पता लगाता है कि शैक्षिक उद्देश्यों के संदर्भ में वह कितना सफल हो पाया है। मतलब ये कि पहले तो टीचर ने एक प्लानिंग बनाई थी, एक उद्देश्य था कि बच्चों के बारे में पता लगाना। ठीक है, कि उनका माइंड लेवल क्या है, किस स्टेज पर बच्चे हैं, फिर क्लास में आकर अपने प्लानिंग को बच्चों के सामने रिप्रेजेंट करना। उसके बाद है पढ़ाने के बाद का बाद की ये स्टेज होती है पोस्ट एक्टिव। इसमें क्या होता है, बच्चों का मूल्यांकन किया जाता है और बच्चों के साथ साथ यहाँ पर टीचर का भी मूल्यांकन होता है। टीचर का मूल्यांकन किस तरह से होगा, जैसे टीचर ने पढ़ा दिया बच्चों को, बच्चों ने समझ लिया जो भी टीचर ने पढ़ाया है, तो लास्ट में कोई क्वेश्चंस इस तरह से बच्चों से पूछ लेगा टीचर कि उसको ये पता चल जाए कि मैंने जो पढ़ाया है वो बच्चों ने सीखा है या नहीं, कितना सीखा है, किस लेवल तक सीखा है, क्या कमियां रह गई है पढ़ाने के बाद भी। और टीचर का मूल्यांकन इस तरह से होता है कि अगर कोई टीचर अच्छी तरह से अपने टेक्निक्स को यूज़ नहीं कर रहे हैं, अच्छा उसका जो टीचिंग सब्जेक्ट है उस पर उसकी मास्टरी नहीं है, तो इस तरह से टीचर का भी एक मूल्यांकन होता है। ओके, उसके बाद है हमारे इसमें पॉइंट्स जो आएंगे। फर्स्ट है शिक्षण द्वारा व्यवहार परिवर्तन की परिभाषा। वास्तविक शिक्षण प्रक्रिया के अंत में अध्यापक शिक्षण द्वारा व्यवहार परिवर्तन के शुद्ध स्तर को परिभाषित करता है, जिसे कसौटी व्यवहार भी कहा जाता है। इसमें टीचर जो होता है, जो उसने पढ़ाया है क्लास में, वो ये देखेगा टीचिंग के माध्यम से कि उसने जो पढ़ाया है बच्चों को किस लेवल तक समझ में आया है, कितना उनको समझ में आया है। ठीक है, उसके बाद है सेकंड मूल्यांकन की उपयुक्त प्रविधियों का चयन। विद्यार्थियों के वास्तविक व्यवहार परिवर्तन से संभावित व्यवहार परिवर्तन के साथ तुलना की जाती है। मतलब वास्तविक व्यवहार जो क्लास में टीचर ने आकर पढ़ाया वो होगा, उनका वास्तविक व्यवहार जो पढ़ाने के बाद बच्चों के जो व्यूज़ आएंगे, जो बच्चों का रिप्लाई आएगा। ठीक है, संभावित मतलब जब एक टीचर प्लानिंग कर रहा है किसी भी टॉपिक को लेकर कि मुझे क्लास में जाकर बच्चों को इस तरह से पढ़ाना है, तो दोनों के बीच में वो तुलना करता है कि मैंने जो सोचा था, मैंने जो प्लानिंग की थी, उसी हिसाब से फिट हैं बच्चे, उसी हिसाब से बच्चों को समझ में आया है या नहीं आया है। ठीक है, अध्यापक ऐसी प्रशिक्षण प्रविधियों का चयन करता है जो विश्वसनीय तथा प्रमाणिक हो, जो विद्यार्थियों के ज्ञानात्मक व व्यवहारात्मक पक्षों का मूल्यांकन कर सके। इस तरह की वो टीचिंग की जो प्रशिक्षण प्रविधियाँ होती हैं, जो टेक्निक्स होती, इस तरह से उनका चयन करता है जिससे टीचर को ये पता चल जाए कि मैंने जो बच्चों को पढ़ाया है वो बच्चों को अच्छे से समझ में आया है या नहीं, इस तरह से बच्चों का मूल्यांकन होता है। ठीक है, उसके बाद है लास्ट पॉइंट हमारा प्राप्त तथ्यों द्वारा शिक्षण नीतियों में परिवर्तन। विश्वसनीय व प्रमाणिक प्रविधियों के प्रयोग द्वारा अध्यापक को विद्यार्थियों की प्राप्तियों या उपलब्धि या उद्देश्यों की प्राप्ति के संबंध में ज्ञान होता है, साथ ही उसे परीक्षाओं के परिणामों द्वारा उनके अनुदेशन तथा अपनी शिक्षण प्रविधियों व युक्तियों के संबंध में भी स्पष्ट जानकारी प्राप्त हो जाती है। मतलब एक टीचर को ये पता चल जाता है लास्ट में कि उसने जो टेक्निक यूज़ की है, हाँ वो सच में बच्चों को पढ़ाए जाने के लिए बिल्कुल फिट हैं, बिल्कुल अच्छी उसने टेक्निक यूज़ की है। ठीक है, और क्या उनके जो स्टूडेंट्स हैं उनके व्यवहार में कितना परिवर्तन आया है, और उसी हिसाब से वो क्या जब वो परीक्षा मतलब जब वो टेस्ट वगैरह लेगा, वो सोच लेगा कि मैंने जो पढ़ाया बच्चे उस टेस्ट में भी सफल हो जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से कुछ उद्देश्य होते हैं टीचिंग के, जिससे टीचर को पता चल जाता है कि मैं जो उद्देश्य लेकर चल रहा हूँ वो कंप्लीट होंगे। ठीक है, तो लास्ट में आपको कॉन्क्लूजन भी लिखना है, इसमें नहीं है, कॉन्क्लूजन भी आपको लिखना है तीनों फेसेस को लेकर, प्री एक्टिव, इंटरेक्टिव और पोस्ट एक्टिव। ठीक है, बिल्कुल इजी से फेजेस हैं ये, डरने की ज़रूरत नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 16 मार्क्स का पूछा जाता है। कोई भी यूनिवर्सिटी में आप अगर बीएड कर रहे हैं फर्स्ट ईयर में,
तो वहाँ पर ये क्वेश्चंस आपको किसी न किसी यूनिवर्सिटी में 16 मार्क्स का ज़रूर मिल जाएगा, ठीक है। ये हिंदी मीडियम में है, हिंदी मीडियम के भी नोट्स आपको पीडीएफ फाइल मिल जाएगी, अदरवाइज़ इंग्लिश मीडियम की भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, ठीक है। अगर आप इंग्लिश मीडियम से हैं तो इंग्लिश मीडियम के भी आपको मिल जाएगी। तो अगर आपको ये वीडियो, ये टीचिंग के फेजेस आपको समझ आए हों तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि उनको भी लर्निंग एंड टीचिंग के नोट्स मिल सके। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, खुश रहिएगा, अपनी तैयारी बेस्ट रखिएगा। तो गाइज़ आज के लिए था बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।